पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लोकसभा चुनाव को लेकर उथल पुथल हर दिन तेज हो रही है। राजनीतिक हस्तियां कहीं पार्टियां छोड़ रही हैं तो कहीं पर अन्य दलों को ज्वाइन भी कर रही हैं। जयप्रदा और अन्य नेताओं के बाद मुरादाबाद में कांग्रेस महिला मोर्चा की महानगर अध्यक्ष मरियम वारसी ने अपने साथियों संग भाजपा को ज्वाइन कर लिया। मरियम पिछले 18 वर्षों से कांग्रेस में विभिन्न पदों पर रही हैं, लेकिन आज उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली। उनका कहना है कि कांग्रेस में उनका दम घुटने लगा था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित हुई। उनका कहना है कि कांग्रेस की नीतियां ठीक नहीं थी, इसीलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। मरियम वारसी, जो कि कांग्रेस की महिला मोर्चा की महानगर अध्यक्ष के रूप में 18 वर्षों से काम कर रही थी, आज उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली। उनका कहना है कि भाजपा विकास कर रही है और मोदी जी के देश सेवा से संतुष्ट है। सर्जिकल स्ट्राइक के प्रति प्रेम करती है, इसीलिए मैं और मेरी साथी नसरीन खान, जो कि 6 साल से वार्ड अध्यक्ष के रूप में काम कर रही थी, उन्होंने भी भाजपा की सदस्यता ले ली। महानगर अध्यक्ष महेंद्र गुप्ता ने कहा कि पार्टी को अच्छे लोगों की जरूरत है। मरियम वारसी और नसरीन खान के पार्टी में आने से मजबूती मिलेगी। समय के साथ साथ उनकी पार्टी के प्रति जिम्मेदारियां भी तय की जाएंगी। मन में बहुत दिनों से घुटन थी। 18 साल से मैं कांग्रेस पार्टी में काम कर रही हूँ, 18 वर्ष हो गए हैं, और जो काम माननीय मोदी जी कर रहे हैं, जो महिलाओं हमारे माइनॉरिटी के लिए और जो भी किसी के लिए जो महिलाओं के लिए जो योजना आ रही हैं, उनको देख के कि भी अगर महिलाओं का अगर कोई सच्चा हितैषी है तो वो मोदी जी से बढ़िया कोई है नहीं, तो ये सोच के वैसे भी मन में बार बार यही प्रश्न आता था। और ये ऐसा नहीं कि किसी का दबाव है मेरे पे या कुछ है, मेरी खुद की अंतरात्मा ने ये कहा कि भाई अब तुम यहाँ नहीं, अगर तुम अपना काम ही करना चाहते हो तो तुम एक अच्छी पार्टी की तरफ जाओ, जो वास्तव में दिख भी रहा है। ये नहीं है कि सारी धरातल पे काम नहीं हो रहा है। बीजेपी महिलाओं के लिए और अन्य वर्गों के लिए, सभी वर्गों को साथ लेके काम कर रही है, और इसलिए मैंने ये सोचा कि भाई अब मैं अपना टाइम वेस्ट कांग्रेस में कम से कम नहीं करूँगी। नहीं, मरियम वारसी जी ने आज भाजपा ज्वाइन की है और हमें लगता है कि हमें भी पार्टी को इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अच्छा पुरानी कार्यकर्ता हैं, बड़ी कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को भी मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे मरियम जी के लिए? नहीं, मरियम जी ने सही है फैसला किया है, अच्छी सोच है उनकी और सामाजिक कार्यकर्ता वो रही हैं, पुरानी अच्छी है, और यहाँ मुझे लगता है जैसा वो चाहती थी वैसे माहौल उनको यहाँ पे मिलेगा, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि उनको कहीं ना कहीं आगे और एडजस्ट करा जाए, कहीं ना कहीं बढ़ाया जाए, उनको अच्छा मौका हम देने का प्रयास करेंगे।